जय जिनेन्द्र वीक्षक बंधुओं, जो क्षेत्र हमेशा समारोह वाद्य वृंद भक्तगणों से भरा रहता था, वह कई दिनों से दिन क्या करीब ढाई वर्षों से बिना कोई वैभव शोभा यात्रा नीरव एवं खामोश हो गया था। कई दिनों के बाद नवंबर 24 और 25 2021 इन दिनों में वह उस लौट आया। 24 नवंबर को शांति विधान से चालू होकर 25 नवंबर को अखिल भारत वर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नए अध्यक्ष श्री शिखर चंद जी पहाड़िया, जो कर्नाटक को विशेष योगदान एवं सहयोग दिया है, उनको विशेष रूप से सम्मानित किया गया और अभिनंदन समारोह चामुंडराय मंडप में आयोजित किया गया था। श्री पहाड़िया दंपतियों को पूर्ण कुंभ के साथ शोभा यात्रा के द्वारा सादर स्वागत किया गया। के बाद 108 परम पूज मुनि श्री गुलाब भूषण महाराज, 108 परम पूज मुनि श्री अमितंजन महाराज, पूज्य माता जीगण के पावन सानिध्य और श्रवण बेलगुड़ा के पीठाध्यक्ष परम पूज्य जगत गुरु कर्मयोगी स्वश्री चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी दिव्य सानिध्य में सभा कार्यक्रम संचालित हुआ। कर्नाटका जैन एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री बी प्रसन्नया जी के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ समारोह चालन की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र समिति के अध्यक्ष श्री शिखर चंद जी पहाड़िया, समिति के राष्ट्रीय महामंत्री संतोष जैन पेंडारी, राष्ट्रीय मंत्री जयकुमार कोटावाला, कर्नाटक तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष, इस खुशी के अवसर के मुख्य कारणकर्ता श्री विनोद बकरीवाला, तमिलनाडु के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिनेश जी सेठी, कर्नाटका जैन एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री बी प्रसन्नया, कर्नाटक तीर्थ क्षेत्र समिति के महामंत्री श्री विनोद दोड्डण्णनवर, कंडेलवाल समाज के अध्यक्ष श्री निहाल चंद जैन, श्रवण बेलगुड़ा के जैन समाज के अध्यक्ष एवं कर्नाटक के अनेक प्रांतों से पधारे हुए जैन समाज के अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ कर्नाटका जैन एसोसिएशन पदाधिकारियों इस समारोह में उपस्थित थे। बाकलीवाल जी को विनंती कर रहे हैं स्वागत करने के लिए। परम पूज्य जगत गुरु कर्मयोगी चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के चरणों में त्रिबार नमन करता हूं। वेदिके पर विराजमान तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नूतन अध्यक्ष श्रीमान शिखर चंद जी पाड़िया जी, हमारे महामंत्री श्री संतोष जी पेंडारी जी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय मंत्री श्री जय कुमार जी, केजेए के अध्यक्ष श्रीमान प्रसन्नया जी, स्वर्ण बेलगोला के अध्यक्ष श्रीमान पदम कुमार जी,
तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कर्नाटक के महामंत्री श्री विनोद जी दोढनवार जी, तमिलनाडु से पधारे हुए श्री दिनेश जी सेठी जी, कर्नाटक के अनेक शहरों व गांवों से पधारे अध्यक्ष मंत्री श्रावकगण, कर्नाटक जैन एसोसिएशन के सदस्यगण, टीवी मीडिया एवं अनेक समाचार पत्रों व अखबारों के वरिष्ठ प्रतिनिधिगणों को सादर जय जिनेंद्र, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। कर्नाटक तीर्थ क्षेत्र कमेटी और श्रवण बेलगुड़ा के जैन मठ की ओर से पहाड़िया जी को सम्मानित किया गया। इसके साथ चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी ने कर्नाटक में जो कोरोना काल के दौरान इस समिति के द्वारा 1 करोड़ रुपया अनुदान घोषित कर एक विशेष इतिहास रचा है, हमेशा से समाज सेवा में विशेष योगदान रहा है, इसके लिए पहाड़िया जी को श्रावक रत्न उपाधि से सम्मानित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए श्री पहाड़िया जी ने अध्यक्ष के पद ग्रहण के बाद अपने द्वारा किए गए महत्व कार्यों एवं वितरण किए गए 85 लाख रुपयों तक अनुदान के राशि के विवरण प्रस्तुत किए। इसके साथ अनेक क्षेत्रों के और अनुदान के राशि घोषणा भी की, उसमें प्रमुख जो श्रवण बेलगुड़ा को अब तक दी हुई 25 लाख की राशि के अतिरिक्त और 25 लाख की राशि को घोषणा कर दिए। मंदारगिरी को अब तक दी हुई 11 लाख की अनुदान के साथ और 14 लाख की राशि को घोषणा कर दी। इसी अवसर पर विविध शहरों से आए हुए समाजों के द्वारा भी अध्यक्ष महोदय को सम्मानित किया गया। देखिए, ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष बनना कोई खाने का काम नहीं है। इस कमेटी के अध्यक्ष आपने सबने सुने होंगे कौन कौन पहले आए हैं। मेरी तो औकात ही क्या है, मैं समझ में नहीं आता है। सपनों में भी मेरे को लगता है कि मैं कैसे आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ आचार्य भीमल सागर जी महाराज और स्वामी जी के आशीर्वाद से ही मैं पद पर आया हूँ। स्वामी जी ने मेरे को अध्यक्ष के लिए मतलब कम से कम 6 महीने पहले, जब मैं यहाँ पे आया था 1 साल पहले 2 साल पहले, तभी मेरे को उन्होंने घोषित कर दिया था ये आगामी हमारे अध्यक्ष यही हैं। अभी आप, मैंने तो कल्पना भी नहीं सोचा था, सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं इस पद पे आसीन हो जाऊँगा। मैं उनका बहुत बहुत ऋणी हूँ। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का 125 वर्ष का प्राचीन इतिहास है। इस संस्था के अंतर्गत अतिशय क्षेत्र, निवान क्षेत्र, पांडुलिपियों का संवर्धन किया जाता है। मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ कि इस प्राचीन संस्था के अध्यक्ष पद पर रहते हुए समस्त क्षेत्रों के विकास करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस मंच और महाराज माता जी को समक्ष घोषणा करता हूँ कि संपूर्ण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ और आगे भी समर्पित रहूँगा। इस कमेटी का कार्यभार संभालने के पश्चात मात्र 4 महीने में हमने करीब 85 लाख रुपीज हमने क्षेत्रों को दिया है और आगे भी अनुदान हम देते रहेंगे। मुझे खुशी है कि श्रवण बेलगुड़ा के लिए हमने पहले 25 लाख रुपए दिए थे और आगे भी हम लोग 1 महीने के अंदर अंदर 25 लाख रुपए और देने की घोषणा करते हैं। इस प्रकार परम पूज्य युगल मुनिराज के मार्गदर्शन में मंदारगिरी क्षेत्र को जीर्णोद्धार के लिए कमेटी ने 11 लाख रुपए का अनुदान दे चुके हैं और आगे भी मैं 14 लाख रुपए और अनुदान देने की कोशिश करूंगा। अतिशय क्षेत्र नेमिनाथ भगवान के हैदरचली मंदिर के लिए मैं 11 लाख रुपए देने का प्रयास करूंगा और भी दूसरे मंदिरों को, तीर्थ क्षेत्रों को जीर्णोद्धार के लिए अनुदान प्रदान करने की कोशिश करेंगे। अंत में स्वामी जी के ऋणी हूँ कि उन्होंने हमें ये सम्मान प्रदान किया और आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ स्वामी जी से ये भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि समय शिखर जी के केस के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चालू हैं, 30 तारीख से चालू हो जाएंगे, उसमें हमें सफलता के लिए अपना आशीर्वाद दें।
आज इस सभा में उपस्थित विराजमान आचार्य गुलाब भूषण जी, मुनिद्वय, आरिका माता, सबको मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वंदामी वंदामी वंदामी। श्री 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 सतत कर्मशील मौन संत, स्वाभाविकता से परिपूर्ण, शांत और सौम्य, देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित, यदा कदा संसार में ऐसे युग पुरुषों का अवतरण होता है जो अल्प समय में ही सदियों का जीवन जी लेते हैं और उनके कृतित्व व व्यक्तित्व ऐतिहासिक शिलापट्टों पर अंकित होते चले जाते हैं। वर्तमान में भट्टारक परंपरा के पद पर आरूढ़, जिनके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक सन 1981, सन 1993, सन 2006, सन 2018 विशालतापूर्वक संपन्न हुए, ऐसे परम पूज्य जगतगुरु कर्मयोगी युग पुरुष श्री श्री चारुकीर्ति जी भट्टारक चार्यवर्य महास्वामी जी के चरणों में सविनय सादर सप्रेम जय जिनेन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अवसर के मुख्य भूमिका निभाई, जो अभी तक कर्नाटक को 1,85,00,000 तक राशि ले आकर मंदिर और मठ का अभिवृद्धि में महत्वपूर्ण निभाए हैं, श्री विनोद बाकलीवाला जी को सम्मानित किया गया और उनके कर्नाटक दिगंबर समाज से निवेदन है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी में सदस्य बनकर समिति के लाभ उठाए और कल्याण कार्य में भाग ले। आज के दिन हमने अभी कन्नड़ में बोलना, अब ये थोड़ा हिंदी में आपको बताइए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें उस दिन का भी स्मरण है, हमारे गुरुजी के समय में सरसेठ हुकुमचंद सेठ जी, भागचंद सोनी आदि आते हैं, हमारे समय में सब शांति प्रसाद जी, सब सैंस प्रसाद जी, सब अशोक जी, सब सेठ राजचंद जी, सब सोनबर्ग क्षेत्र के एसटीज मैनेजिंग कमेटी के पदनिमित्त से सदस्य भी है, उपाध्यक्ष भी है और बहुत महामस्तकाभिषेक में उन्हीं का जो कार्याध्यक्ष के रूप में कार्य करने का, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का, तो इसलिए पहले एक पद था, अभी दो, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक कार्याध्यक्ष के रूप में। इस प्रकार जितेंद्र कुमार जी ने बहुत काम किया इस बार, तो ये जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी है और श्रवण बरगला का पहले से ही अविनाव भाव संबंध है। इसका मुख्य कारण है सुतकेवली भद्रभाव स्वामी आए तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त भी उनके साथ आए, राज परिवार के इस क्षेत्र के साथ बहुत ही संबंध रहा है। पहले जब हुकुम सिंह सेठ जी आए थे तो मैसूर के महाराजा उनको वहाँ बुला करके उनका स्वागत करते थे, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के, ऐसे शांति प्रसाद जी, साहु श्रियांश प्रसाद जी, सेठ लालचंद जी, साहु अशोक जी जैसे महान व्यक्ति उस पद में विराजमान है। आज हमें बहुत संतोष है, त्यागी सेवा में और धर्म प्रभावना में, व्रत नियम संयम में श्री शिखर चंद जी पहाड़िया बहुत ही विनम्रता के साथ सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ये उनकी विशेषता है। सबके साथ, उनका किसी से बनता नहीं ऐसी बात नहीं, सबके साथ उनका अच्छा व्यवहार है, यही इसी कारण से उनका अध्यक्ष पद तो, और क्षेत्र के लिए समर्पित व्यक्ति है और
तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो या महासभा हो, सब जगह त्यागियों के सेवा में उनका इस महामस्तकाभिषेक में भी उनका बहुत सहयोग रहा। हर कार्य में हम उनसे पूछते थे, क्योंकि बड़े आदमी हैं और वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, अनुभव में बहुत है, अनुभवी हैं, इसलिए हर कार्य में हम सरिता जी और जितेंद्र कुमार जी सब लोग, संतोष जी पिंडा सब, शिकर सिंह जी पाड़िया क्या कहते हैं, भले ही वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष नहीं थे तो भी हम लोगों ने उनका सलाह मान ली और उन्होंने भी इतनी भक्ति श्रद्धा के साथ क्षेत्र का हर समस्या को सुलझाने के लिए बहुत कटिबद्ध रहे। एक और एक बार निर्णय लिया, इसका मतलब है कोई परिवर्तन नहीं, इतनी निष्ठा होती है तो